आज हम बात करते हैं दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में। रोहित के साथ यह खिलाड़ी करेगा ओपनिंग, तीन स्पिनर्स को मिलेगी जगह पहले टेस्ट में, ऐसी होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। यह दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। यह दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अब इंग्लैंड के बेजबाल की चुनौती होगी, और इंग्लैंड की टीम भारत में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आने वाली है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। तो दोस्तों जानिए इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, हम बताते हैं आपको सब कुछ जानकारी। लेकिन अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इन दोनों ने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में ओपनिंग की थी। इसके बाद नंबर 3 पर, जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं शुभमन गिल, और नंबर 4 पर जाने माने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वही बात करते हैं हम मिडिल ऑर्डर की, तो दोस्तों श्रेयस अय्यर को 5 नंबर पर मौका मिलने की संभावना है। वहीं अगर बात करें दोस्तों नंबर 6 की, तो एक बार फिर से दोस्तों केएल राहुल खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। वहीं राहुल ही इस सीरीज में विकेट कीपर की भी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गेंदबाजी की क्रम की, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया पहले टेस्ट में 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। ऐसे में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के साथ कुलदीप यादव को भी अंतिम 11 में शामिल किया जा सकता है। वही बात करें तेज गेंदबाज और दोस्तों उप कप्तान जसप्रीत बुमराह की, तो बूम बूम बुमराह और मोहम्मद सिराज एक्शन में दिख सकते हैं। इस बार इस पूरे टेस्ट मैच में दोस्तों मोहम्मद शमी आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। पर वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, जी हाँ दोस्तों, पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 यही रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।